इन दिस सेक्शन आई एल एक्सप्लन बिहेवियोरल पोटफोलियो थेरी बट बिहेवियोरल पोर्टफोलियो थेरी को समझने के लिए आई एल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी ऑल्सो मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी को बहुत तफसील से हम पहले कई सेक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं मॉडर्न पो पोर्टफोलियो थेरी माकोविट्स ने डेवलप की थी और ये रैशनल डिसीशन मेकरस की की असम्पन पे बनाई गई है इसका मतलब यह है कि जो जितनो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो प्योरली प्योरली अपने जो फैसले हैं वो रैशनली करते हैं रैशनल का मतलब होता है कि वो तमाम तर रवेंट इन्फॉर्मेशन को फैक्ट्स को फिगर्स को अकाउंट फॉर करते हैं और उस उसको कंसिडर करके जो उनको मुनासिब तरीन बात लगती है वो वो फ़ैसला करते हैं और इसके अंदर वो मीन को काउंट फॉर करते हैं Uh, जो रिटर्न return, रिटर्न्स की मीन को रिटर्न्स की वेरिएंस को और मीन वेरिएंस की जो मॉडल है उसको इस्तेमाल करके वो अपने बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करते हैं फॉर अ सर्टन लेवल ऑफ रिस्क जो भी उन्होंने अपने लिए लेवल ऑफ रिस्क डिफ़ाइन किया होता है कि हमने कम रिस्क लेना है ज़्यादा रिस्क लेना है मॉडरेट लेवल का रिस्क लेना है उस रिस्क को मद्देनजर रखते हुए अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को कर करना चाहते हैं वो उनकी ऑब्जेक्टिव होती है और वो करते हैं बाय कंसिडरिंग के डिफरेंट तरह की जो इन्वेस्टमेंट uh, ऑप्शन उनके सामने मौजूद है उनमें वो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को या रिटर्न को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग करने के लिए की बेसिस के ऊपर और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम एफिशिएंट फ्रंटियर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं हमने डिस्कस किया था एक की किधर आता है कौन सी जो ऑप्टीमल uh, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट तरह की पोर्टफोलियोज़ की वो कौन सी इन्वेस्टर डिसाइड करता है एफिशिएंट पोर्टफोलियो एफिशिएंट फ्रंटियर के ऊपर से और इसी में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट को जो वो इन्वेस्टर इस्तेमाल कर रहा है दैट इज़ द मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन के मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क के साथ में वो वाली कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर चूज़ करता है नाउ इफ़ वी लुक एट द बिहेवियरल पोर्टफोलियो थेरी एज आई मैंशन के बिहेवियरल फाइनेंस में हम कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है या जो भी डिसीशन मेकिंग कर रहा है इंडिविजुअल वो एडवाइज़र है कंसल्टेंट है वो प्योरली प्योरली रैशनल डिसीशन मेकिंग नहीं करता वो रैशनल डिसन मेकिंग भी करता है उस कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि उसके फैसले को असरअंदाज करते हैं तो बिहेवियरल पोर्टफोलियो थेरी में हम इमोशंस को और साइकोलॉजी किस तरह से इन्वेस्टर्स के डिसशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के अगर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे फैसले को इफेक्ट कर रहे हैं तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर आस टू प्रोडिक्ट बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर बिकॉज वो इैशनल हो चुका है और आप उसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते अब उसमें इस पर्टिकुलर थेरी को बनाने के लिए हमारे पास इफ वी इनटू द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर थेरी तो ये थेरी शेफरिन और स्टैठमन ने डेवलप की थी और उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो अपने दिमाग से डिफरेंट अकाउंट्स बनाता है उसके जहन में डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जिनमें वो अपने डिफरेंट तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स के फैसले हैं उनको वो करता है तो दिस इज़ बेसिकली उनकी ज़बान में उन्होंने लाफ इस्तेमाल किया मेंटल अकाउंटिंग तो मेंटल अकाउंट्स हैं जहनी तौर पे किसी कोई भी इन्वेस्टर्स के जहन में डिफरेंट तरह के अकाउंट्स रखे हुए होते हैं और हर एक अकाउंट के अंदर जो भी फैसला उन्होंने लिया होता है वो दूसरे अकाउंट में जो फैसला लेना है उसको वो अंदाज नहीं करता आई मीन देर आर डिफरेंट कम्पार्टमेंट या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर के, के दिमाग में डिफरेंट फोल्डर्स हैं और हर एक फ़ोल्डर में वो मुख्तलिफ़ फ़ैसला करके रखता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी आदमी ने लॉटरी बाय करनी है तो लॉटरी बाय करने के लिए उसको कितने पैसे उसने एलोकेट किए हैं उसमें उसका रिस्क का लेवल क्या होगा रिस्क का लेवल हाई हो सकता है कम हो सकता है और साथ ही दूसरा जो उसका मेंटल अकाउंट है एक और फोल्डर है उसमें सपोज़ वो कोई पेंशन फंड्स में पैसे रखना चाह रहा है अब वहाँ रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है पेंशन फंड्स में लॉटरी में ज़्यादा है और वो बिल्कुल उसका जो उसका जो फैसला है अबाउट कि हाउ मच मनी इज़ टू बी एलोकेटेड फॉर लॉटरीज और उसमें मेरा रिस्क का लेवल क्या होगा विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट के जब वो पेंशन फंड में पैसे रख रहा है सेम आदमी सेम इन्वेस्टर तो उसमें उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा कम हो गया है और उसका जो मनी है वो भी उसका जो फैसला है वो प्योरली प्योरली इंडिपेंडेंट होगा कि उसके लॉटरी वाले फोल्डर में क्या उसने फैसला किया है तो ये पर्टिकुलर चीज बिल्कुल फ़र्क है मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी से क्योंकि वहाँ इस तरह से नहीं हो रहा उसमें हम एक पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे जिसमें रैशली जो भी इन्वेस्टर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन को पिकअप करता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो को पिकअप करता है मीन वेरिएंसेस को अकाउंट फॉर करके अपने सर्टन लेवल ऑफ रिस्क को अकाउंट फॉर करके और एक ही उसका पोर्टफोलियो है जो कि डिसीशन में रैशनल डिसीशन मेकिंग की बेस पे बनाया गया लेकिन यहाँ इट्स ऑल टूगैदर डिफरेंट एन अदर इम्पॉटेंट थिंग के वो बिहेवियरल पोर्टफोलियोज़ को की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि uh, आप इस पर्टिकुलर फिनोमिन को लेयर्ड पिरामिड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें जो बेस लेयर है वो वो वाले इन्वेस्टमेंट uh, के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर मबनी होती है जिसमें रिस्क का लेवल रिलेटिवली लो है इसी तरह से जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर जाते हैं एज यू कैन सी के जो हमारे जहन में अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न बिहेवियरल पोर्टफोलियो थेरी देर इज दिस टाइप ऑफ पिरामिड जिसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं मेंटल अकाउंट्स बने हुए हैं और इसमें आप डिफरेंट तरह की जो अकाउंट्स हैं उनमें डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक्स या शेयर्स को आप हैं। रखते हैं उसका है, अलीहदा से हिसाब रखते हैं कि इसमें अमाउंट कितनी डालनी है अलहदा से हिसाब रखते हैं कि उसका रिस्क कितना होगा Uh, जो हायर लेयर है दिस इज होप्स फॉर रिचेस और जो लोअर लेयर है उसमें आप प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉवर्टी को के uh, के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं आप उसको इस पर्टिकुलर अकाउंट में रखते हैं तो दिस इज हाउ द पिरामिड हैज बीन फॉर्म्ड दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियरल और पोर्टफोलियो थ्योरी और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो साइमल्टेनियसली नीचे वाले लेयर से ऊपर वाले लेयर में दोनों को इस्तेमाल कर सकता है उसमें अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ देयर इन बिहेवियरल पोर्टफोलियो थेरी इज दैट दे ट्रीट ईच लेयर इन आइसोलेशन एंड डू नॉट कंसिडर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेयर्स के वो जो भी लेयर्स में उनके डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने रखे हुए हैं वो सेग्रीगेटेड ही रहते हैं और दोनों के या मल्टीपल जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं उनके फैसले भी अलैदा से माइंडसेट के साथ होते हैं अलीहदा से फैक्टर्स को काउंट फॉर करके लिए जाते हैं